आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजस पे। मैं आपके एडुकेटर स्वाति, आप सबके सामने आज मैं विलोम के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेके उपस्थित हूँ। तो जो चैनल पर नहीं हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किसके भोग भोग के विरोध में क्या होता है आपका योग, ठीक? उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है, तो आपका क्या होगा? अध्योवर्ध, ठीक है, उत्तरी का अध्योवर्ध। लंबी योग साधना में उसका तेज ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है, तो ओजस्वी का क्या हो जाएगा? कांतिहीन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आपका, चौथा। जैन मत को मानने वाले में श्वेतांबर की बड़ी संख्या में है, श्वेतांबर का आपका क्या हो जाता है? दिगंबर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे, कृपण का आपका क्या हो जाता है? दानी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी व्रत बहुत कठिन होता है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? कनिष्ठ। उद्यत का विलोम शब्द है आपका, उद्यत का होता है आपका विनीत। प्रसारण का विलोम शब्द है अकुंचन, आकुंचन, यानी प्रसारण का विलोम होता है आकुंचन। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने, कर्कश का क्या हो जाता है आपका? मधुर। श्री गणेश का विलोम शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यानी इति श्री, श्री गणेश का विलोम इति श्री। उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए, अवार्चीन का विलोम शब्द हो जाएगा आपका प्राचीन, यानी प्राचीन का विलोम क्या हो जाता है? अवार्चीन। अध का विलोम है, अध का विलोम आपका क्या हो जाता है? पूर्ण, ठीक है, अध का विलोम पूर्ण। ऋजु का विलोम होगा आपका वक्र, यानी ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। उपकार, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपकार का जो विलोम होता है वो क्या होता है आपका? अपकार। उपकार का परोपकार मत डाल दीजिएगा, उपकार का क्या होता है? अपकार। अनिवार्य का विलोम है आपका, अनिवार्य का विलोम हो जाएगा आपका वैकल्पिक और ऐच्छिक, यानी ये दोनों इसके विलोम होते हैं, यानी ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक और ऐच्छिक। विस्तृत का विलोम क्या हो जाएगा आपका? संक्षिप्त। उद्यम का विलोम आलस्य, यानी ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है, उद्यम का विलोम आलस्य। नेक्स्ट देख लेते हैं, उन्मुख का जो विलोम होता है आपका क्या होता है? विमुख, उन्मुख का विमुख। आविर्भाव का सहित विपरीतार्थक शब्द चुनिए, तो हो जाएगा तिरोभाव, आविर्भाव का तिरोभाव, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। उन्मूलन का सहित विपरीतार्थक शब्द चुनिए, तो उन्मूलन का क्या होता है? रोपण, ठीक है, उन्मूलन का रोपण। उद्यत का सही विपरीतार्थक क्या हो जाता है आपका? विनीत। ये प्रश्न आपका दूसरी बार आया हुआ है। चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए, क्या होता है? नश्वर। चिरंतन का क्या है? नश्वर। ग्रस्त का विलोम शब्द होता है आपका मुक्त, ग्रस्त का मुक्त। हास्य का विलोम शब्द होता है, हास्य आपका 24वां है, उसका विलोम शब्द हो जाता है आपका रुदन, यानी हंसने वाले का रोना, ठीक है। रुग्ण का विलोम शब्द हो जाता है स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य आपका, रुग्ण मतलब रोगी, स्वस्थ मतलब आपका सही, जो स्वस्थ हो। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है निवृत्ति, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। विपद का विलोम शब्द क्या होता है आपका? संपद, विपद का संपद। चपल का विलोम शब्द होता है आपका, चपल का गंभीर। संपन्न का विलोम शब्द है आपका निर्धनता, है ना, जो संपन्न होता है उसका क्या होता है? निर्धनता। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या हो जाता है? आर्जव, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कौटिल्य का आपका क्या हो जाता है? आर्जव। अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? अंबर, अवनी का अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सदैव का आपका विलोम जो होता है वो क्या होता है? विरद, सदैव मतलब हमेशा, विरद मतलब कभी कभी।
सहोदर का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है आपका, परोदर, सहोदर का परोदर। निम्नलिखित में से नेक्स्ट आप देख लेते हैं इसका भी विलोम। कृष्ट का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है, हृष्ट पृष्ट। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, सर्वज्ञ। आपका ऑप्शन क्या है, ए करेक्ट है। उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए, उदय का क्या होता है, अस्त। बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 37। आपका नीचे दिए गए शब्दों में जोड़ा चुनिए जो कि आपका सही है, सही ना हो, है ना, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें सम्मान का आज्ञा दिया हुआ है, आपका सम्मान का आज्ञा नहीं होता है, जबकि गुड़ का अवगुण देव का दानव और तरल का ठोस होता है। सम्मान का क्या होता है, अपमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जय का पराजय, सार्थक का निरर्थक, पतन का उत्पत्ति, धर्म का पुण्य। धर्म क्या क्या हो जाता है, अधर्म, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, डी गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, नीचे लिखे शब्दों का सही विलोम चुनिए, यानी परोक्ष का क्या हो जाता है आपका, प्रत्यक्ष। परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष मतलब जो दिखने, जो सामने दिख रहा हो। उत्कृष्ट का आपका विलोम क्या हो जाता है, उत्कृष्ट का निकृष्ट। गरल का विलोम क्या हो जाता है आपका, सुधा। गरल सुधा रिप करी मिताई, सुने होंगे आप लोग, ये होता है आपका किससे है, रामायण का है ये। तो गरल सुधा, तो गरल और जस्ट उसका अपोजिट क्या है, सुधा। चिरंतन का जो आपका विलोम हो जाता है वो आपका क्या होता है, नश्वर। नेक्स्ट देख लेते हैं 43। कृतज्ञ का जो विलोम है वो क्या हो जाता है, कृतज्ञ का, कृतज्ञ का विलोम है आपका कृतघ्न, ठीक है। कृतज्ञ मतलब जो किसी की कृतज्ञता, मतलब जो किसी का उपकार मानता हो, जो किसी का उपकार नहीं मानता उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कृतघ्न बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 44। आपका संकीर्ण का विलोम क्या हो जाता है, विकीर्ण। संकीर्ण का विकीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुरक्त का शब्द का जो विलोम होता है वो क्या होता है आपका, विरक्त, ठीक है। कानून भर्ती 2000 ये परीक्षा में आया हुआ है, अनुरक्त का विरक्त पूछे गए प्रश्न है आपके, ये महत्वपूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट है प्रसन्न का आपका विलोम क्या है, प्रसन्न का प्रति, प्रतिपत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है, तो क्या होता है आपका प्रभावी का विलोम, अपयुक्त, जबकि आपका अप्रभावी और आपका निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य जो होता है वो विलोम है, पर आपका अपयुक्त जो है वो प्रभावी नहीं है, प्रभावी का विलोम नहीं है। पाश्चात्य का विलोम है, पाश्चात्य का विलोम क्या हो जाता है, पौरास्त्य, ठीक है, यानी आपका सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अनुग्रह का विलोम क्या हो जाता है, अनुग्रह का आपका विग्रह। इनमें से कौन सा अश्लील शब्द का विलोम है, तो आपका क्या होता है, श्लील, श्लील जो होता है आपका अश्लील का विलोम है। आवेशित का विलोम शब्द क्या होता है, अनावेशित, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अर्जन का शब्द का विलोम क्या है, व्यय, व्ययन, यानी अर्जन मतलब अर्जित करना, व्ययन मतलब खर्च। कथित शब्द का विलोम क्या होता है आपका, अकथित, यानी ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। हर्ष का विलोम क्या होता है, हर्ष का विलोम क्या होता है, विषाद, है ना, हर्ष मतलब खुशी, विषाद मतलब दुख। अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप है, अनभिज्ञ क्या हो, क्या हो जाता है आपका, अभिज्ञ, अनभिज्ञ क्या, अभिज्ञ, ठीक है, ये आपका उसका विलोम हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्यास का विलोम शब्द क्या होता है, व्यास का आपका समास, व्यास का समास आपका विलोम हो जाता है। ऋतु का विलोम, ऋजु का विलोम शब्द आपका क्या हो जाता है, वक्र। अभी हम लोग इसको फिर से दूसरी बार ये कर रहे हैं, ऋतु का आपका वक्र। निम्नलिखित में से गलत विलोम युग्म जो होता है उसको चुनो, तो इसमें क्या होगा, प्रवेश का निषिद्ध हो जाता है आपका, नवेश नहीं होता है, यानी ये गलत है। मुख का वाचाल होता है, भूत का भविष्य होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है, ये सही है, पर आपका प्रवेश का आपका निषेध होता है, पहला गलत है, यानी ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है देख लेते हैं, उन्मूलन का विलोम क्या होता है, उन्मूलन का रोपण। ग्रस्त का विपरीतार्थक क्या है, ग्रस्त का विपरीतार्थक हो जाता है मुक्त। मूक शब्द का विलोम क्या होता है, मूक शब्द का विलोम वाचाल होता है, ठीक है। अब आपका देखते हैं प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाता है, परोक्ष, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। सामान्य शब्द का विलोम क्या होता है आपका, सामान का विशिष्ट, सामान्य बालक, विशिष्ट बालक। अमर शब्द का विलोम क्या है, मर्त्य, ठीक है, जो मृत्यु को प्राप्त हो जाए वो क्या होता है, मर्त्य। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 65 क्वेश्चन नंबर।
ठीक है। 65 देख लेते हैं, उपकार शब्द का विलोम क्या है आपका? अपकार, ठीक है, अनुपकार नहीं बोलेंगे, अपकार। तिमिर शब्द का विलोम आलोक। उक्त शब्द का विलोम क्या होता है? अनुक्त, ठीक है, यानी अनुक्त उसका क्या हो जाता है? विलोम होगा। निर्दय शब्द का विलोम क्या होता है? सदैव। और आपका उन्मिलन का विलोम शब्द क्या हो जाता है? आपका निमिलन। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाता है? आपका अपकर्ष। आविर्भाव का विलोम है तिरोभाव, ठीक है, आविर्भाव का तिरोभाव। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? आपका अपकर्ष। अंतर्मुखी का क्या हो जाएगा विलोम? बहुत इजी है, बहुमुखी, बहिर्मुखी, ठीक है। और अतिवृष्टि का विलोम शब्द आपका क्या हो जाता है? अनावृष्टि, ठीक है। संयोग का विलोम क्या हो जाता है आपका? वियोग, संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछुड़ना। राजा का विलोम शब्द क्या हो जाता है? राजा का रंक। आकाश शब्द का विलोम है, आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल। सदगुण का विलोम, सगुण का विलोम क्या हो जाएगा? निर्गुण। और अपशकुन का विलोम क्या हो जाता है? शकुन, शकुन मतलब अच्छा, अपशकुन मतलब कुछ बुरा हुआ। अथ का विलोम शब्द क्या हो जाता है? इति, इति मतलब समाप्त, अथ मतलब चालू करना। अविज्ञ का विलोम आपका हो जाता है अज्ञ। और कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? आपका कृतघ्न, अभी हम लोग ये कर चुके थे। संकीर्ण का विलोम शब्द आपका क्या हो जाता है? विस्तीर्ण। और अनुरक्ति का विलोम शब्द आपका क्या हो जाता है? विरक्ति। और क्या है? सापेक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाता है आपका? निरपेक्ष, ठीक है। ये हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। विग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाता है आपका? संधि। विग्रह मतलब टूटना और संधि मतलब जुड़ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटि पूर्ण है? तो आपका उन्नत का अवगत नहीं होगा, ठीक है। उन्नत का क्या होता है? औन्नति। यथार्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? आदर्श। साधु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? असाधु, ठीक है, सन्यासी वन्यासी मत लिख दीजिएगा, साधु असाधु होता है। संयोग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा आपका? वियोग। नीचे दिए गए युग्म से कौन सा त्रुटिपूर्ण है उसको छाटिए। तो आपका अनुग्रह का क्या हो जाता है? आग्रह, ये आपका त्रुटिपूर्ण है। जबकि आपका जड़ का चेतन, अनंत का शांत, आकृष्ट का विकृष्ट, ये सब सही है। ऋजु का शब्द का विलोम, ये दूसरी बार फिर से आया है, ऋजु का वक्र बार बार आ रहा है, यानी इम्पोर्टेंट है। आकलन का विलोम शब्द क्या होता है आपका? विकलन, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आहार का विहार नहीं, निराहार, ये आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है वो भी देख लेते हैं। अमिश का समिश नहीं, निमिश, यानी ये गलत है। आपका इशिप्त का विलोम शब्द क्या होगा? आपका निषिप्त, अनिषिप्त। स्वजाति का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? विजाति। आपका ऑप्शन क्या है? डी करेक्ट है। उन्मूलन का विलोम आपका क्या हो जाता है? रोपण, बार बार आया हुआ प्रश्न है ये। अमित का शब्द का विलोम क्या हो जाता है? परिमित। और श्री गणेश का क्या होता है? अतिश्री, इतिश्री, ठीक है। अब इतने आपके जो थे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिनको मैंने कवर करवा लिया है। और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो हम लोग आज 100 प्रश्न किए हैं। अब नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो किसी और की आएगी। तो आप लोग अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।